यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पहाड़ प्रभात की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। श्रीनगर से खबर मिल रही है जहां पर जल्द नेशनल हाईवे 58 टोटा घाटी मार्ग खुल सकता है। बताया जा रहा है कि 7 महीने से ये मार्ग बंद पड़ा है, ऐसे में 8 अक्टूबर से मार्ग पूरी तरह से खुलने की तैयारियां की जा रही है। 8 अक्टूबर से मार्ग को खोलने की तैयारियां हैं। 9 सितंबर को ये मार्ग खोला नहीं जा सका था, तो ऐसे में अब कवायद और तेज और 7 महीने से मार्ग बंद है, ऐसे में 8 अक्टूबर से मार्ग पूरी तरह से खुलने की तैयारियां हैं। श्रीनगर से बड़ी खबर, जल्द ही नेशनल हाईवे 58 खुल जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। टोटा घाटी के मार्ग 7 महीनों से बंद पड़ा हुआ है, ऐसे में 8 अक्टूबर से ये मार्ग खुल सकता है। मार्ग बाधित है जबरदस्त, अगर इसकी बात करें तो लैंडस्लाइड जोन सक्रिय है, टूट टूट कर पहाड़ियां गिरी हैं और ऐसे में उसको खोलने की तैयारियां चल रही हैं। 9 सितंबर को मार्ग खोला नहीं जा सका था, क्योंकि मार्ग को खोलना था 9 तारीख को, लेकिन खुल नहीं पाया था। उसके बाद से जो स्थिति वहां पर है वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये लैंडस्लाइड जोन है और यहां पर अगर सड़क बनाई भी जा रही है, काटा जा रहा है, जेसीबी मशीन लगाई जा रही है, तो फिर चट्टाने टूट टूट कर बोल्डर पत्थर गिर गिर कर फिर इस मार्ग को ध्वस्त कर देते हैं, क्षतिग्रस्त कर देते हैं। और ये जगह भी बड़ी सक्रिय है क्योंकि खड़ी पहाड़ी है, ऐसे में पहाड़ को काटने पर ऊपर से जो मलबा है वो नीचे गिर जाता है, तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे में कोशिश बहुत तेज की जा रही है। अब 8 अक्टूबर को मार्ग को फिर से खोला जा सकता है, 9 तारीख को 9 सितंबर को खुलना था लेकिन नहीं खुल पाया था। बड़ी आबादी को ये मार्ग जोड़ता है और 7 महीने से बंद पड़ा है, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कई किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है अगर लोगों को शहरों का रुख करना होता है। पहाड़ प्रभात की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। श्रीनगर से खबर मिल रही है जहां पर जल्द नेशनल हाईवे 58 टोटा घाटी मार्ग खुल सकता है। बताया जा रहा है कि 7 महीने से ये मार्ग बंद पड़ा है, ऐसे में 8 अक्टूबर से मार्ग पूरी तरह से खोलने की तैयारियां की जा रही है। 8 अक्टूबर से मार्ग को खोलने की तैयारियां हैं। 9 सितंबर को ये मार्ग खोला नहीं जा सका था, तो ऐसे में अब कवायद और तेज और 7 महीने से मार्ग बंद है, ऐसे में 8 अक्टूबर से मार्ग पूरी तरह से खोलने की तैयारियां हैं। श्रीनगर से बड़ी खबर, जल्द ही नेशनल हाईवे 58 खुल जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। टोटा घाटी के मार्ग 7 महीनों से बंद पड़ा हुआ है, ऐसे में 8 अक्टूबर से ये मार्ग खुल सकता है। मार्ग बाधित है जबरदस्त, अगर इसकी बात करें तो लैंडस्लाइड जोन सक्रिय है, टूट टूट कर पहाड़ियां गिरी हैं और ऐसे में उसको खोलने की तैयारियां चल रही हैं। 9 सितंबर को मार्ग खोला नहीं जा सका था, क्योंकि मार्ग को खोलना था 9 तारीख को लेकिन खुल नहीं पाया था। उसके बाद से जो स्थिति वहां पर है वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये लैंडस्लाइड जोन है और यहाँ पर अगर सड़क बनाई भी जा रही है, काटा जा रहा है, जेसीबी मशीन लगाई जा रही है, तो फिर चट्टाने टूट टूट कर बोल्डर पत्थर गिर गिर कर फिर इस मार्ग को ध्वस्त कर देते हैं, क्षतिग्रस्त कर देते हैं। और ये जगह भी बड़ी सक्रिय है क्योंकि खड़ी पहाड़ी है, ऐसे में पहाड़ को काटने पर ऊपर से जो मलबा है वो नीचे गिर जाता है, तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे में कोशिश बहुत तेज की जा रही है। अब 8 अक्टूबर को मार्ग को फिर से खोला जा सकता है, 9 तारीख को 9 सितंबर को खुलना था लेकिन नहीं खुल पाया था। तो बड़ी आबादी को ये मार्ग जोड़ता है और 7 महीने से बंद पड़ा है, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कई किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है अगर लोगों को शहरों का रुख करना होता है।